में मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए कि प्रॉपर मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, जो ट्रैफिक को फॉलो करते हुए आप कैसे गाड़ी को थोड़ा सा तेज चला सकते हो, ताकि आप थोड़ा बहुत जल्दी घर पहुंच जाओ। देखो बिना मतलब का हॉर्न बजाया जा रहा है, ठीक है, हॉर्न बजाना दो। देखो अरे रुक जाओ यार, इसको थोड़ा सा मजा चखा लेते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था, चलो कोई तो मेरे को प्रोवोक भी कर दिया है थोड़ा सा तेज चलाने के लिए, तो अभी मैं चला रहा हूँ, रैश ड्राइविंग नहीं करूँगा मैं चलाऊंगा सेफ ड्राइविंग, बट थोड़ा सा तेज, वो भी शहर के रास्ते में जहाँ काफी ज्यादा ट्रैफिक भी रहता है उसी हाल में। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को, मैं कोशिश कर रहा हूँ सेफली थोड़ा सा स्पीड में गाड़ी को कैसे चलाएं। बट हाँ, ये इलीगल स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ का जितना स्पीड लिमिट है उतना मैं चलाऊंगा, क्योंकि शहर में जो स्पीड लिमिट दिया रहता है उससे भी आपको धीरे ही चलाना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना ज्यादा रहता है। तो चलिए देखिए, ये बंदा रोक दिया अचानक से, इंडिकेटर दिया, फिर मैं गाड़ी को भगाने लगा। अभी जो फिलहाल जो स्पीड है वो लगभग 50 के आसपास है। कैमरा में कितना आ रहा है नहीं पता, मैं अभी तो कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, तो ये मैं जला लिया फॉग लाइट। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक भी है, बाइक चल रहा है, देखो आगे सिग्नल रेड है, मैं रोक दिया। तो ट्रैफिक का हमेशा जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, तो उसको बिल्कुल भी मत तोड़िएगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा। फिर चालान, अभी चालान काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है, तो सिग्नल को होने दीजिए फिर चलाएंगे। तो यहाँ से अभी भी लगभग 8-9 किलोमीटर है, तो उतना तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन चलिए 4 किलोमीटर तक मैं ये आप लोग को दिखाऊंगा। कहाँ 4 किलोमीटर खत्म होता है वहाँ बता दूंगा, वहाँ तक मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द पहुँचने के लिए। और भी प्रॉपर ट्रैफिक में देखिए, सामने बाइक जा रहा है, मैं हॉर्न बजाया, बंदा साइड भी दे रहा है, बट स्टिल अपट डिपट लाइट दिए निकल लिए। अभी गाड़ी का स्पीड है लगभग 50-55 के आसपास। और सबसे जो ध्यान में जो आपको चीज रखना है, ये देखिए बगल से ना छोटा छोटा रास्ता जो निकलते रहता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गाड़ी को चलाने से पहले। जोर चलाना और गाड़ी को कंट्रोल में रखना दोनों अलग चीज है। जोर चला सकते हो लेकिन कंट्रोल में रखते हुए। आगे देखो बंदा बाइक लेके काफी तेज चला रहा है, दो बंदा खड़ा भी था, आपको दिखा भी नहीं होगा लेकिन मैं देख लिया था, दो बंदा खड़ा है निकलने के लिए। फिर से मैं अपर डिपर मारा, रात का टाइम में अपर डिपर बिल्कुल यूज कीजिएगा। सामने एक बंदा खड़ा है, आपको दिखा है कि नहीं नहीं पता, आगे का सिग्नल जो है वो है ग्रीन, और कोशिश करेंगे लिखन लेने के लिए। अभी भी फिलहाल जो भी स्पीड है वो भी 50 के आसपास है। देखिए गांव का रास्ता में, खाली रास्ता में आप चला लोगे, नैरो ड्राइविंग, ये ड्राइविंग वो ड्राइविंग बोल के वो अलग चीज होता है, लेकिन प्रॉपर शहर में गाड़ी को तेज। फिर से हो गया है सिग्नल, ठीक है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास आ गया है। एक्सयूवी 300 आया, आगे जाने का नाम नहीं ले रहा है, मैं चला भी नहीं पा रहा। चलिए फिर से भगाते हैं, लेकिन देखिए चलाने का ये मतलब नहीं जो आप किसी को परेशान करो, बिना मतलब का हॉर्न बजाना नहीं है, लेकिन हॉर्न बजाना भी जरूरी है, नहीं तो आपको बंदा लोग साइड नहीं देगा। और रात का टाइम पे अगर आपका एलईडी है तो और भी थोड़ा सा पीछे से जो सामने से जो चला रहा है थोड़ा सा डर जाता है। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा मैं गाड़ी को तेज चलाना, प्रॉपरली सेफली चलाना वो मायने रखता है। तो हम लोग ऑलरेडी लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर कवर कर चुके हैं, देख रहे हो कौन कौन निकल निकल के आ रहा है अचानक से। सामने जा रहा है हमारा XUV 300, इसको मैं गियर चेंज कर लिया, फोर्थ गियर में थे, मैं उसको चेंज करके कर लिया थर्ड गियर। हो गया है सिग्नल, ठीक है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास आ गया है। XUV 300 आया, आगे जाने का नाम नहीं ले रहा है, मैं चला भी नहीं पा रहा। चलिए फिर से भगाते हैं, लेकिन देखिए चलाने का यह मतलब नहीं जो आप किसी को परेशान करो, बिना मतलब का हॉर्न बजाना नहीं है, लेकिन हॉर्न बजाना भी जरूरी है, नहीं तो आपको बंदा लोग साइड नहीं दे। और रात का टाइम पे अगर आपका एलईडी है तो और भी थोड़ा सा पीछे से जो सामने से जो चला रहा है थोड़ा सा डर जाता है। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा अननेसेसरीली नहीं लेकिन नेसेसरीली बजाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल स्पीड कुछ भी नहीं बचा है, 20 किलोमीटर में आ गए, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आगे बस है और फालतू का ट्रैफिक लगा के रखा है। और XUV जाने का नाम नहीं ले रहा है, XUV नहीं जाने का नाम। हाँ थोड़ा सा खाली मिल गया है, चलिए फिर से भगाते हैं इसको, ठीक है। तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं फिर से 50 पे। आगे जाके एक नैरो ब्रिज है, मतलब सिंगल लेन ब्रिज है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आस्ते करना पड़ेगा। और इसी मौके का मैं चौका लगाता हूँ और XUV 300 को करता हूँ ओवरटेक। ये मैं
मैं कर लिया एक सीढ़ी को क्रॉस। रैश ड्राइविंग फास्ट ड्राइविंग दोनों अलग चीज है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा फास्ट है बट विद इन अ लीगल स्पीड लिमिट। तो कैसा जैम है यहाँ पर, थोड़ा सा जैम रहता भी है। तो अभी हम लोग लगभग 4 किलोमीटर पहुंच चुके हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा होगा। कितना टाइम एग्जैक्टली लगा है मैं तो अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ जाओगे 4 किलोमीटर विथ फुल ट्रैफिक कितना टाइम लग सकता है। यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे देख सकते हो तो आगे तो थोड़ा सा लंबा जैम है, सिग्नल यहाँ से लगभग 200-300 मीटर आगे है जो दिख भी नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इस रास्ते में जैसे सिंगल लेन जो रास्ता है आराम से चलो, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। हमेशा थोड़ा सा गैप बना के आराम से चलिए और ये बाइक साइकिल गिव देम ड्यू रेस्पेक्ट, उन लोग का भी रास्ते में हक है तो जाने दीजिए। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कवर करने में लगभग लग गया होगा मेरे को, जो लगता है ट्रैफिक में रुक रख के सिग्नल फॉलो करते हुए 10 मिनट के आसपास। ठीक है।